हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग मैनी और मैं हूँ प्रियंका। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं कर रही हूँ हरियाली तीज के ऊपर मेकअप और आई होप गाइस आपको ये मेकअप अच्छा लगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो अब मैं फर्स्टली ले रही हूँ गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल, इससे मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा। और अब मैं अपने पोर्स को ब्लर आउट करने के लिए ले रही हूँ लॉरियल का प्राइमर और मेरे आई बेस के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेवलिन का एज रिवाइन कंसीलर और इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेवलिन का ही कॉम्पैक्ट पाउडर। और अब मैं मेरे आई लुक के लिए सबसे पहले लूँगी ट्रांजेक्शन शेड, उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर। और अब इसी को डिफाइन करने के लिए मैं ले रही हूँ रेड कलर और ये काफ़ी पिगमेंटेड और काफ़ी अच्छा कलर है, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है ये। और अब मैं इसको सर्कुलर मोशन में अंदर की साइड यानी इनर कॉर्नर की साइड करते हुए ब्लेंड करूंगी बहुत अच्छे से, ताकि एक मुझे अच्छा इफेक्ट मिल जाए मेरी आईज पे और इसे जब तक ब्लेंड करूंगी जब तक मुझे मनचाहा कलर ना मिल जाए। और अब मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक शेड, इससे मुझे एक स्मोकी इफेक्ट मिल जाएगा और एक अच्छी डेप्थ मिल जाएगी मेरी आईज को। और इसको भी मैं जो मैंने रेड शेड अप्लाई किया था उसी के साथ मैं अच्छे से मर्ज कर दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी। और अब मैं मेरे आईलिड पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, इसके हेल्प से मैं इसको कट क्रीज बना रही हूँ क्योंकि मुझे कट क्रीज इफेक्ट देना है अपनी आईज पर। और अब मैं सेम पैलेट में से लाइट शेड यूज कर रही हूँ ग्रीन कलर में, इसको मैं एज अ बेस अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं स्विस ब्यूटी का जो जेल आई शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ ग्रीन कलर में, काफी पिगमेंटेड है गाइस, सच में आप देख सकते हो उसकी शाइन वगैरह बहुत ही अच्छा ये जेल आई शेडो है। और अब मैं तीनों चारों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि ये एक साथ एक ही लाइन में लगे और ऐसा ना लगे कोई भी शेड अलग से उठा करके मैंने आईज पे रखा है, और अच्छे से इनको तीनों चारों को ब्लेंड करूंगी। अब मैं लोअर वाटर लाइन पे भी सेम तीनों शेड्स अप्लाई करूंगी, सबसे फर्स्ट मैं ग्रीन अप्लाई करूंगी, नौ सेकेंड मैं ब्लैक कलर को जो मेरा आउटर कॉर्नर से मर्ज करते हुए अच्छे से अप्लाई करूंगी ताकि बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा मुझे, स्मोकी इफेक्ट जो कि मुझे मेरे इस लुक के लिए चाहिए। और आखिर में मैं वह सेम रेड कलर अप्लाई करूंगी, तीनों शेड्स मैंने जो ऊपर अप्लाई करे थे अपनी आईज पे वही तीनों मैं नीचे अप्लाई कर ले रही हूँ। और अब अपनी काजल अप्लाई कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का। और अब मैं यहाँ पे छोटा सा विंग लाइनर बनाते हुए मेबलिन का ब्लैक आईलाइनर लगा रही हूँ, काफी अच्छा आईलाइनर है ये। और मैं एक कोन मस्कारे का अप्लाई करूंगी, यहाँ पे मैट मी का पुशअप मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, जादू से मेरी दूसरी आईज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं पूरे फेस पे मेबलिन का ही फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ इन द शेड क्लासिक आइवरी और इसको टैपिंग मोशन में पैट करते हुए मैं पूरे फेस पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और काफ़ी अच्छा ये ड्रग स्टोर में काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है और काफ़ी रीजनेबल भी है। और इसको मैं मेबलिन के कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरा सेट कर लूंगी। और नेक एरिया को गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अदरवाइज नेक और फेस बहुत डिफरेंट लगेंगे। और मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने हाई पॉइंट्स पर। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसको मैं अच्छे से जल्दी से सेट करूंगी ताकि ये क्रीज ना करे।
एले गर्ल का लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ और ये मैं इसको एज अ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें आज जो है काफ़ी डार्क कॉन्टोर करूँगी। मैं कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। आप देख सकते हो मैंने काफी ज्यादा लगाया है, बट अभी जब मैं ब्लेंड करूंगी तो ये काफी हद तक लाइट हो जाएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत नेसेसरी होती है पूरे के पूरे मेकअप में। जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे आपका मेकअप फाइन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सो ब्लेंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो कितना ज्यादा लाइट हो चुका है कॉन्टोर। मैं नोज की कॉन्टोरिंग करूंगी। सेम ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और अब मैं कॉन्टोर पाउडर की हेल्प से एक बार इसको अच्छे से और ब्लेंड कर लूंगी और अच्छे से सेट कर लूंगी। बट आप देख सकते हो मैंने दो दो कॉन्टोरिंग यहाँ पे यूज करी है, बट अभी भी कितना लाइट लग रहा है। और अब मैं कीको मिलानी का ब्लश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बहुत लाइट ब्लश है ये, काफ़ी अच्छा है, नेचुरल सा इफेक्ट देता है। और अब मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने ऑफ कैमरा आईलैशेस भी लगा लिया। अब इनको सबको अच्छे से मैं एक कोट और अप्लाई करूँगी मस्कारे का, ताकि मेरी ओरिजिनल लैशेस और फॉल्सेस एक साथ लगे। अब मैं पूरे अपने मेकअप को सेट कर लूँगी मेकअप रेवोल्यूशन के सेटिंग स्प्रे से। एक्सेस का सारा ब्यूटी ब्लेंडर से रिमूव कर दूँगी। एंड अब मैं एक बार और हाईलाइट अप्लाई करूँगी। अब मैं फेसेस कैनेडा की अल्टिम प्रो रेंज वाली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसमें है मेरा शेड लाइट आउट, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज करी थी। अगर आपने मेरा भी पर्पल हॉल नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिएगा। एंड गाइस दैट्स इट फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो। एंड गाइस सीरियसली इस मेकअप लुक के लिए मुझे कम से कम 4 घंटे लगे हैं और एडिटिंग का टाइम मेरा अलग गया है, जो आई होप आप मेरे हार्डवर्क को यू नो अप्रिशिएट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। ऑल्सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।